एक बार मृत्युंजय जी के पास मैं जाना चाहता हूं, बिहार में। अच्छा, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मृत्युंजय जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अच्छा, आप आ रही है, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी। जी, बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा, आगजनी है, ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं आपकी पार्टी इसके पीछे है, बीजेपी खुलकर कह रही है इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। देखिए, ये घोर निंदनीय है और ये बेरोजगार नौजवानों के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका ये किस तरह से अपमानित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, ये सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता। मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी, मैं आपको जरा सा बस करेक्ट करना चाहता हूँ। ये प्रदर्शन नहीं है, ये आगजनी है, गुंडागर्दी है, ये प्रदर्शन नहीं है। ये आग किसने लगाई? अभी पूनावाला जी बोल रहे थे आरजेडी का मतलब रेल जलाओ पार्टी, अब भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी। ये भारत जलाओ पार्टी वालों ने अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ होता है आग के रास्ते पर जाना। ये आग के रास्ते पर नौजवानों को किसने धकेला है? ये बीजेपी के जहरीले बोल के कारण आज चारों ओर भारत में क्या स्थिति है? इनके प्रवक्ता यही बोलेंगे, केंद्र सरकार के मंत्री यही बोलेंगे। आज तक सरकार के लोगों ने नौजवानों के लिए अपील की है? कोई उनको कहा है इस पर हम विचार करेंगे, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है। हाँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये नौजवानों के सीने में जो आग लगी है इसी का प्रकटीकरण है। हाँ, तो सीने की आग जो है वो सड़क पर लगा देंगे या ट्रेन पे लगा देंगे? कैसे लगा देंगे आग? कोई भी कैसे लगा देगा आग? कैसे हक दिया गया इन लोगों को? ये वो आग लगा रहे थे आरजेडी को, गाली दे रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं। अच्छा, आप कह दीजिए जो आग लगा रहा है वो ठीक कर रहा है। मृत्युंजय जी बोल दीजिए। आज हमने कहा, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने कल ही कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, हिंसक प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये तो आरक्षण दे रहे हैं। देखिए, पहले सब कह रहे थे कि क्या होगा नौजवानों का, आज तमाम जगहों पर आरक्षण की जो है वो घोषणाएं हो गई हैं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, गृह मंत्रालय की तरफ से भी, फिर भी प्रदर्शन है। ये आई बात है अग्निपथ योजना का, अग्निपथ योजना का चारों ओर विरोध हो रहा है रातों रात। आपने सेना भर्ती प्रक्रिया में अमूल चूल परिवर्तन कर दिया। ठीक है, न कोई बहस, न किसी से पूछा, न किसी से राय ली। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। अच्छा, ठीक है, आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। पहले एक मिनट शिवम त्यागी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। आप सही कह रहे हैं मृत्युंजय जी, आरजेडी ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को कहा है कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आग लगाना। ये आरजेडी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इनकी भाषा देखिए क्या है, आप इसको जूम इन भी कर लीजिएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं से आग्रह है कि पूर्वजों के वर्षों के टैक्स और मेहनत से तैयार की गई देश की संपत्तियों को जो आप जला रहे हैं, जो देश के काम आपके काम आती है, उसको नुकसान मत पहुंचाइए। नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलिशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। उसके बाद संजय जायसवाल, रेणुका देवी, उनके घरों पर हंगामा हुआ, हमला हुआ, बीजेपी के दफ्तरों में आग लगा दी। अपील तो शांतिपूर्वक थी। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण सर, अपील तो शांतिपूर्वक। ये जो मैंने भाषा पढ़ी है ये तो आपको समझ आई नहीं होगी, देश तो जानता ही नहीं। आप विवेक जी चुप रहिए, ये विवेक सिंह नेता जब पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर पे, आपको मौका मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, विवेक से पूछिए, जब चीफ मिनिस्टर का घेराव किया था दिल्ली में तब किसका घर था? आपका तो नाम भी नहीं लिया। मैंने तो आपको बोला ही नहीं, आप तो अभी यहीं पिक्चर में ही नहीं है। ये विवेक सिंह नेता जी हैं, कांग्रेस के एक्स एनईसी मेंबर हैं, ब्लू टिक हैंडल है। ये लिखते हैं सेम लाइन, डियर फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय देन डिस्ट्रॉय बीजेपी इंडिया ऑफिसेस, दैट इज मेड ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी के कार्यालयों पर हमले की अपील। जी सबसे अब ये कहते हैं कि हमने तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कहा था। आपने इनसे पूछा ना अभय दुबे जी से अभी, कि एक बार एटलीस्ट अपील तो कर दीजिए कि शांति से। अब आपको मैं कहता हूं और इंडिया टीवी के दर्शकों को कहता हूं कि एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए। पिछले दो दिन से पूरे देश में आग लग रही है इन दोनों बड़े नेताओं, इनफैक्ट जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, किसी ने एक शब्द नहीं लिखा ट्विटर पर कि ये आग मत लगाइए, क्योंकि आग लगवा रहे हैं
और जितना आनंद इस समय इनको आ रहा है उतना किसी को नहीं आ रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।